और हमारे अन्य साथी लोग फ्री स्टूडेंट हमारे, और जो मैंने उम्मीद नहीं किया था सुबह, कई लोग मतलब ये था कि कल प्रोग्राम शुरू किया जाए कि नहीं, तो सर से मैंने पूछा तो एक बार बात हुई कि सोचा एक बार मैं कैंसिल कर दूँ प्रोग्राम, लेकिन सर ने कहा कि नहीं प्रोग्राम होना ही चाहिए, हर कीमत होनी चाहिए, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं प्रोग्राम निश्चित रूप से होना चाहिए। और जो आप लोगों का उत्साह और जो विश्वास और जो चीज़ें देखने को मिली हमारे लिए तो बहुत चौंकाने वाली बातें हैं। निश्चित रूप से मैं आपको शुरू से ही जोर दे रहा था कि पोटेंशियल था हम लोगों में निश्चित रूप से फूट फूट के भरी हुई है, अब उसको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को देने की ज़रूरत थी, और इस प्लेटफॉर्म को बहुत इतना खूबसूरत से रणदीप ने इसको कोऑर्डिनेट किया है, और ये बहुत ही खुशी की बात है जो है। और जो रणदीप ने कहा कि वास्तव में आप लोगों की जो भी उम्र 18-20 साल की 18 साल की उम्र होगी, जितना आत्मविश्वास हमने आपको अभी तक नहीं मिला है, शायद ये 2 घंटे के प्रोग्राम में ही आपको जीवन में बहुत बड़ा उत्साह दिया होगा, और ये जो आत्मविश्वास है आपको बाकी जीवन में भी एक बहुत बड़ी ताकत देगा। जब भी आप किसी मंच पर खड़े होंगे, बोलने के लिए होंगे, करने होंगे, संबोधित करने के लिए होंगे, तो जो आपने अभी ये विश्वास अर्जित किया है, यही विश्वास आपको वहाँ पर काम देगा। तो ये, और ये नहीं कि आप सिर्फ वक्ता बनेंगे, ये आत्मविश्वास आपको पढ़ाई में भी काम देगा, आत्मविश्वास। तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपको फ्यूचर भविष्य में काम देता रहेगा, और भविष्य में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, किसी आपके गांव घर में होता है, या शैक्षिक संस्थान में होता है, या कहीं पर भी होता है, तो ऐसी जगहों पर आप बढ़ चढ़ करके आगे पार्टिसिपेट करिए और भाग लीजिए। और जो हम लोगों की पहचान है, जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वास्तव में हम लोगों की कोई पहचान नहीं है, हम लोगों की पहचान सिर्फ आप लोगों से है। आगे अब सेलेक्ट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग बहुत ही ऊंचे सीना करके बोलते हैं कि हमारे बच्चे ने किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर परिवार पीछे छूट जाता है, हम लोग अपने परिवार को मेंशन नहीं करते हैं, आप लोग परिवार हमारे, तो हम लोग आप लोगों से अपनी पहचान को बनाते हैं। हमारे देखिए इससे जो फोटो लगी हुई है, 25-30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हम लोग ये किसी फैमिली की फ़ोटो नहीं, हमारे घर की फ़ोटो नहीं है, न तो यहाँ जो फैकल्टी उनके परिवार की फ़ोटो है, ये आप लोगों की फ़ोटो लगी हुई है। और आप शायद इंजीनियर को भूल जाएंगे, लेकिन जब तक इंस्टीट्यूशन रहेगा, जब तक कीजिए रहेगा, आपकी फ़ोटो हमेशा यहाँ टंगी रहेगी, और हमेशा मेमोराइज करते रहेंगे कि नहीं भाई, ये हमारा बच्चा था, ये था। नौकरी तो आप मिली, आप शादी करेंगे, आपका परिवार बढ़ेगा, आप इम्पावर्ड होंगे, लेकिन आपके नाम से ही हम लोग इम्पावर्ड होते हैं। तो जो ये रिलेशन है, इसे 2 प्रकार के रिलेशन होता है, एक पिता पुत्र का जो बायोलॉजिकल रिलेशन कहा जाता है, वो रिलेशन खराब हो जाता है, लेकिन जो हमारा और आपका रिलेशन है, ये रिलेशन कभी खराब नहीं होता है, इसमें बहुत बड़ी पवित्रता रहती है। बाप बेटे में तो प्रॉपर्टी को लेकर कभी काल जो है लड़ाई भी हो जाती है, मारी मारा भी हो जाती है, मुकदमे भी चल जाते हैं, लेकिन हमारे और आपके रिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कभी होने वाला है, ठीक है। तो आप कहीं भी जाओगे जो है, चाहे आप जितनी उम्र हो जाए, कभी जब याद करोगे तो एक बार जरूर याद करोगे कि जो है हमारे टीचर ऐसे थे, हम लोग ऐसे थे, हमको उन्होंने ये दिया वो दिया, बहुत सी बातें हैं जो है, ठीक है ना। तो एक कॉन्फिडेंस जो है, जैसे हमारा आप पर 100% विश्वास है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। मैं बार बार सभी बच्चों से बोलता हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है जिसमें कि सिलेक्शन लेने की क्षमता ना हो, जो सेलेक्ट ना हो सकता है। पिछले बार जैसे मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा, जैसे NA का जो हमारे पास बैच था नवंबर से लेकर जनवरी तक, इसमें मनीष भी साथ में थे, काफ़ी लोग सीनियर हैं, तो करीब 30-35-40 बच्चे उस समय हम लोगों के साथ में थे। NA का बच्चा, NA के जो हमारा बैच था, बहुत ही वंडरफुल बैच था, दूसरे लोग भी थे, ऐसी बात नहीं। हम सभी बच्चों से कहते थे, हमारी सभी फैकल्टीज कहते थे कि हर बच्चा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप अपने पर विश्वास करिए बस। और ऐसा दुर्भाग्य रहा कि कुछ सीटों का है कि जो 10-12 सीटों में से 2 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बाकी 9 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इतना हम लोगों ने उनको पढ़ाया था, जब रिजल्ट आया तो हम लोग बहुत निराश हो गए। बच्चे शायद निराश नहीं होंगे, हम लोग बहुत निराश हो गए, बल्कि हम लोग इतना निराश हो गए कि मतलब सर भी आते तो हम लोग कहते थे कि यार क्या हो गया, हम लोग पढ़ाने में कोई खोट हो गई, क्या हो गई। लेकिन आपको जान के आश्चर्य हो गया कि अब वही जो बच्चे जिनका नहीं हो पाया, वो जिस भी एग्जाम में अप्लाई करते हैं, हर एग्जाम में उनका हो जाता है। 3-4 एग्जामों में बच्चों का सिलेक्शन हुआ, एक में नहीं 3-3 एग्जामों में। अब बच्चे को फोन करके बोलते हैं, सर आप लोग एकदम सही कह रहे थे। तो सिलेक्शन तो 100% हर व्यक्ति का तय है, लेकिन थोड़ा सा आपको भाग्यवादी भी होना पड़ता है कि अगर जिसके लिए आपने अप्लाई किया शायद वहां पर नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए 2-3 अवसर आपका इंतजार आगे कर रहे हैं। अगर ऊपर वाला एक में मना करता है तो 4 अवसर आपके लिए पैदा कर देता है, बेटा यहाँ मत जाओ, तुम यहाँ जाओ। इसीलिए किसी औचित्य को लेके आपको निराश भी होने की कतई जरूरत नहीं है, आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है,
और मैं तो कहता, पिछली बार मैं कहता था कि 25 सिलेक्शन होना बहुत बड़ी चीज़ किसी इंस्टीट्यूशन के लिए होती है। किसी इंस्टीट्यूशन में 2-5 सिलेक्शन होते हैं, यहाँ 25 सिलेक्शन होते हैं। एक हवा जैसे चलती है ना, एक हवा चल रही है, आपको सिर्फ नाव में सवार हो जाना है, आगे बढ़े बढ़े चले जाएंगे। तो एक स्वस्थ और सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में बसाते हुए मेहनत करिए, श्रम करिए। ये मत सोचिए कि हम इसमें अप्लाई किए तो हमारा इसी में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना सिर्फ बेस्ट दीजिए और बाकी आपके पास नौकरी की कमी नहीं है, नौकरी तो आपके दरवाजे पर चल करके आई कि बेटा आप हमारे यहाँ नौकरी कर लो। और आपको चूज करना पड़ेगा कि हम इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे। ये तो